श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को है दिवाली, और दिवाली की रात्रि में किया जाने वाला एक 3 दीपक वाला उपाय है, जिस उपाय को पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियाँ दूर होती हैं, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, साथ ही में माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर सदैव बना रहता है, आपके घर में कभी भी पैसों की धन की कमी नहीं आती अगर आप लोग इस 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली की रात्रि में यहाँ पर करते हैं तो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस 3 दीपक वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है दिवाली की रात्रि में, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये वाला उपाय ध्यान रखिएगा कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात्रि में ही किया जाता है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाता है। इस उपाय को करने का कुछ नियम है, कुछ विधि है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो उपाय है ये आपको दिवाली की रात्रि में करना है, मतलब 31 अक्टूबर की रात्रि में इस 3 दीपक वाले उपाय को अपने घर की सुख और शांति के लिए करना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, ये वाले जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 3 वृक्ष मिलेंगे। 3 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, ना। हम आपको 3 वृक्षों के नाम बता देते हैं, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग उपाय कर लीजिएगा, है ना। देखो, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप उपाय कर सकते हो, पीपल का नहीं है तो कोई, अगर आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ के नीचे जाकर उपाय कर सकते हो, या अगर बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र के नीचे जाकर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। जो भी पेड़ है भाई, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 3 वृक्ष हैं, तीनों वृक्षों के नीचे नहीं जाना है, किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है इसको करना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय करेगा कौन? देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी, सभी सदस्यों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माता बहन जो है वो, कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। देखो, जो 3 दीपक वाला उपाय है, इसमें जो 3 दीपक जलाएंगे हम लोग, तैयार करेंगे, ये 3 दीपक होंगे किस किसके वो सुनो। देखो, पहला दीपक होगा लक्ष्मी जी का, दूसरा दीपक होगा गणेश जी का, तीसरा दीपक होगा सरस्वती मैया जी का, है ना। तो भाई, ये जो 3 दीपक आप लोग तैयार करोगे, इसमें ध्यान से सुनो, ये दीपक आपको तैयार कैसे करना है। देखो, सबसे पहले चीज़, ये जो 3 दीपक आप लोग लोगे, ये मिट्टी के नए दीपक लोगे, है ना, पुराने दीपक नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो 3 मिट्टी के नए दीपक आप लोगों को लेना है। मिट्टी के नए दीपक लेने के बाद दोस्तों, अब आप लोगों को करना क्या है कि इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो ध्यान से सुन लो, समझने वाली बात है। देखो, 2 यहाँ पर आप लोग जो दीपक लोगे वो लंबी बत्ती के लोगे, और 1 दीपक लोगे आप लोग गोल बत्ती का, मतलब कि अपने 2 दीपकों के अंदर आप लोग रखोगे एक लंबी बत्ती, और 1 दीपक के अंदर रखोगे गोल बत्ती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक लंबी बत्ती और 1 गोल बत्ती लगाना है 3 दीपकों के अंदर, ठीक है। 2 लंबी बत्ती के दीपक जलेंगे और 1 गोल बत्ती का दीपक जो कि गणेश जी के लिए रहेगा, और 2 लंबी बत्ती के दीपक माता लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के लिए रहेगा, ना। तो करना क्या है, ये 3 दीपकों के अंदर एक लंबी बत्ती और 1 गोल बत्ती रखने के बाद इसके अंदर जो चीज़ डलेगी वो डलेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। तो आपको शुद्ध देसी गाय का घी लेना है और इन दीपकों के अंदर फुल भर देना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप लोगों ने रुई अकेली भिंजोई हो, नहीं, पूरा दीपक आपको फुल भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ना। तो पूरा दीपक बिल्कुल फुल भर दीजिएगा। दीपक फुल भरने के बाद अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों का जो ये उपाय है ये यहाँ से शुरू हो जाता है, ना। तो आपने घी के दीपक ये तैयार कर लिए 3 दीपक, इन 3 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में जमा कर रख लीजिए, क्योंकि 3 दीपक आप ऐसे हाथ में रख कर लेकर नहीं जा सकते, है ना, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, इन 3 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक सामग्री और डालनी है, जो कि है दोस्तों 1-1 कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, तो 1-1 कमलगट्टा लेना है, और 3 दीपक हैं आपके पास तो 3 दीपकों के अंदर 1-1 कमलगट्टा आप लोगों को डाल देना है, ना। कमलगट्टा जरूर याद से डाल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कमलगट्टा जैसे ही आप लोग डाल देते हो, उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है कि किसी भी एक पेड़ के नीचे पहुंचना है जो कि आपके घर के पास में हो। किस पेड़ के नीचे? या तो पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, या आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाओ। जो भी पेड़ के नीचे जाओ वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और जब आप लोग इस उपाय को करने के लिए जाओ तो उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जब दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन कर रहे हो तो उस समय कोई एक सिक्का जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि वो सिक्का हमें इस उपाय में काम यहाँ पर आने वाला है, ना। तो कोई भी 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का अलग से रखिएगा, बाकी आपके पूजन वाले जो सिक्के हैं वो अलग रहेंगे। ये उपाय वाला 1 रुपये का सिक्का आप दिवाली की पूजन में जरूर याद से रख दीजिएगा, ठीक है, पहले ही, है ना, क्योंकि ये उपाय हमें बाद में इसमें काम आने वाला है, ना। तो आप लोगों ने सिक्का रख दिया, उसके बाद में अब आपको करना क्या है कि भाई अपने जो 3 दीपक हैं, ये जिस भी पेड़ के नीचे जा रहे हो आप लोग उपाय करने के लिए, पीपल के नीचे, आंवले के नीचे या बेलपत्र के नीचे, तो वहां पर
पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि हम लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे हैं ना, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच कर वहां पर जाकर आप लोगों को बैठ जाना है, ठीक है। आसन लगाकर भी बैठ सकते हो या जैसा आपका मन करे वैसे बैठ सकते हो। वहां पर बैठने के बाद दोस्तों करना क्या है वो बहुत ही ध्यान से सुनो समझो, क्योंकि जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। उपाय सही करोगे तो ही आपको उपाय का यहाँ पर फल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो गोल बत्ती का दीपक है, क्या करना है, जो गोल बत्ती का दीपक है उसको उठाना है ना, मतलब कि जो गणपति जी वाला दीपक है भाई उसको उठाना है। अब जब गोल बत्ती वाला जो दीपक है वो उसको उठाओगे तो जला लेना अपने तीनों दीपक। जब आप अपना उपाय शुरू करो ना, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर, तो अपने तीनों दीपकों को पहले जला लेना है ना, उसके बाद ही उपाय शुरू होगा। तो घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, पेड़ के नीचे पहुंच जाओ, वहां जाकर आराम से बैठकर जला लीजिएगा ना। दीपक जैसे ही आपके जल जाते हैं तो पहला गोल बत्ती का दीपक उठाइएगा। गोल बत्ती के दीपक को उठाकर अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिएगा, ठीक है। हथेली में रखना है, अभी आपको आरती वगैरह कुछ नहीं करना है। सीधे हाथ की हथेली में अपना गोल बत्ती का दीपक रखिएगा। आपको इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, और प्रार्थना करते हुए आप लोगों को इस गोल बत्ती वाले दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है, या जिस पेड़ के नीचे आप लोग गए हुए हो तीन वृक्षों में से, उस पेड़ के नीचे इस एक गोल बत्ती के दीपक को रख देना है लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए और पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये पहला दीपक हो गया। अब जो दूसरे दीपक होगा, ये जो दूसरा दीपक होगा ये लंबी बत्ती का दीपक होगा ना। अब जो दूसरा दीपक जब आप लोग उठाओगे तो ध्यान से सुनना कि जो इसकी बत्ती है, मतलब कि आपने तीनों दीपक जला लिया जिसमें से एक दीपक अभी रख भी दिया, पर जब दूसरा दीपक जब आप उठाओगे तो जो बत्ती का मुख हो वो आपकी तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ, आपकी तरफ, मतलब जिस तरफ से आपकी लंबी बत्ती जल रही होगी, क्योंकि लंबी बत्ती तो एक तरफ से जलती है, तो जिस तरफ से वो दिए की बत्ती जल रही होगी वो बत्ती का जलता हुआ मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको इस दीपक को उठा लेना है और अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है, ठीक है। कैसे रखना है, जब सीधे हाथ की हथेली में आपका ये जो मतलब दीपक रखा हुआ हो तो दीपक की जो बत्ती का मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए और सामने की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी तरफ दीपक की बत्ती का मुख रखिएगा। उसके बाद में आप लोगों को वापस से लक्ष्मी जी का स्मरण करना है, ध्यान करना है, और अपनी मतलब जो भी मनोकामना है माता लक्ष्मी जी से वो उसके लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद माता लक्ष्मी जी का ध्यान करने के बाद आपको इस दीपक को उस बेलपत्री के ही पेड़ के नीचे रख देना है। पर यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आपने इस दीपक को उठाया तो दीपक की बत्ती का मुख आपकी तरफ था, पर जब आप इस दीपक को प्रार्थना करने के बाद वापस से पेड़ के नीचे रखोगे तो इस दीपक की बत्ती का मुख हो जाएगा बेलपत्र के पेड़ की तरफ, मतलब जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख बेलपत्र के पेड़ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा दीपक जब आप लोग उठाओगे तो उस तीसरे दीपक की जो बत्ती का मुख होगा वो पेड़ की तरफ होना चाहिए जब आप लोग उठाओगे, है ना। तो वृक्ष की तरफ उस तीसरे दीपक की बत्ती का मुख करके जलाकर उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिएगा। और हथेली में रखने के बाद आप भगवान का ध्यान कीजिएगा, अपने मुख से जो भी आप लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी से, गणेश जी से, सरस्वती मैया जी से ध्यान करते हुए आप लोगों को जो भी प्रार्थना है वो प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद इस दीपक को भी आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे या जिस पेड़ के नीचे आप उपाय कर रहे हो वहां पर रख देना है। पर तीसरे दीपक को जब आपने उठाया था तो बेलपत्र के वृक्ष की तरफ उस बत्ती का मुख करके उठाया था, पर जब आप इस दीपक को वापस से अपनी जमीन मतलब जगह पर रखोगे तो इस दीपक की बत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस दीपक को रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरे नंबर के आप लोगों को दीपक को उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। तीसरे नंबर का दीपक जैसे ही आप लोग रख देते हो उसके बाद में आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद आपको झोली फैला लेना है ना, मतलब जो पल्लू वगैरह होता है साड़ी का वो आप लोगों को भगवान के सामने फैला लेना है। ऐसा आपको समझना है कि भगवान आपको इसमें धन के भंडार भरेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो अपनी झोली फैलाकर भगवान को एक बार प्रणाम करकर आप लोग जो भगवान से मांगना चाहें उसकी एक बार प्रार्थना कीजिएगा झोली फैलाकर। जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना बोल दीजिएगा, जो परेशानी हो वो परेशानी बोलिएगा झोली मतलब फैलाकर। जैसे आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है वो बोल दो, उसके बाद में झोली को अपने ऊपर एकदम से फेंक लो, मतलब कि जो आशीर्वाद आपको मिला हो वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो उस झोली को अपने ऊपर ही, अपने पल्लू को अपने ऊपर ही एक बार फेंक लो, है ना। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है कि वापस से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद वहाँ से उठ जाना है। जब आप लोग इन तीनों दीपकों को लगाकर, झोली फैलाकर, अपनी ओर फेरकर वापस वहाँ से उठ जाते हो, उठने के बाद जब आप लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हो तो ध्यान रखना वापस से पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। जब आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर की तरफ मुड़ जाओ तो सीधा घर ही जाना है, वापस से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उपाय जो किया है वो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो पलट कर नहीं देखना है, सीधा आप लोग अपने घर पर पहुँच जाइएगा। अब घर पर जैसे ही पहुँचते हो दोस्तों तो यहाँ पर
आपका भी उपाय पूरा नहीं हुआ है। घर पर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जहां पर आपकी दिवाली की लक्ष्मी पूजन हुई होगी उस स्थान पर, उस जगह पर चले जाना है। उस जगह पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो आपकी लक्ष्मी पूजन वाली जगह है जहां पर आप लोगों ने 1 रुपये का सिक्का पूजन के टाइम रखा हुआ होगा इस उपाय के लिए, तो वो 1 रुपये का सिक्का आपको उसी समय उठा लेना है माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए, उनको स्पर्श करते हुए, और इस सिक्के को सीधा जाकर अपने घर की तिजोरी में या जहां पर आप अपना धन रखते हो डब्बे वगैरह में, गोदरेज में, वहां पर जाकर इस सिक्के को रख देना है, ठीक है। पर दोस्तों ये वाला जो उपाय जब आप लोग करोगे ना रात्रि में, तो ये उपाय जो है उपाय को करने के बाद सीधा घर आकर आप लोगों को ये सिक्का अपने घर की तिजोरी में रखना है ना। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, इस सिक्के को रखने के बाद आप लोगों को वापस से माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि माता लक्ष्मी जी, हम आपका आशीर्वाद समझ कर ये जो सिक्का है ये इस जगह पर रख रहे हैं, आप हमारे घर में कभी भी धन की पैसों की समस्या मत आने देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने उपाय तो अच्छे से सुन लिया, पर उपाय को करने का सिर्फ एक समय है जो कि है दोस्तों दिवाली की रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। इसके अलावा आप इस उपाय को ना पहले कर सकते ना बाद में कर सकते। 31 अक्टूबर दिवाली की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में आपको रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ये वाला उपाय करना है। इस 1 घंटे के समय में ही सिर्फ ये वाला उपाय होगा, इसके अलावा और कभी नहीं होगा। इस उपाय को जब आप लोग करते हो, संपूर्ण कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपके ऊपर अगर कर्जा भी होगा तो वो चुकना शुरू हो जाएगा, कर्जे से मुक्ति आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके घर में पैसों की धन की समस्या होगी वो भी धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर दूर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अपनी दिवाली की ये जो पूरा उपाय है इसको करना है, और दिवाली की पूजन भी आप लोगों को अच्छे से करना है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली लिखिएगा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखिएगा, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं लिखिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय बहुत ही खास है, एक मौका मिलता है उपाय करने का, जरूर कीजिएगा। कोई भी परेशानी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोला बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।